सो हेलो वेल वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किरण, आप सबका दोस्त टेन होस्ट, फिर स्वागत है मेरे इधर क्विक टेक के चैनल में। तो दोस्तों जो खबर निकाल के आ रहा है गेमर्स लोगों के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, क्योंकि जो काले बादल वगैरह वो सब आ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि पबजी हो रहा है बैन। अब चाइनीज ऐप्स को लेकर जो बैन का सिलसिला चल रहा है, अभी सारे एप्लीकेशन जो डिलीट हो रहे हैं प्ले स्टोर से इंडिया के लिए, तो अभी फ़िलहाल के जो डिलीट हो चुके हैं 275 एप्लीकेशन डिलीट हो चुके हैं फिलहाल के लिए। कल जो बैन हुआ था, मतलब जो बैन हुआ है फिलहाल के लिए, रिसेंटली जो चीज़ बैन हुआ है उसमें आपको 47 जो एप्लीकेशन है जो लाइट वर्जन वाले एप्लीकेशन थे, फॉर एग्जांपल ले लो टिकटॉक लाइट हो गया, या जो शेयर इट लाइट हो गया, उसके बाद हेलो लाइट, ये सब एप्लीकेशन वगैरह आप डिलीट हो गए हैं। नॉर्मल जो डिलीट होने वाले थे हो चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है पबजी के ऊपर, देखा जाए पबजी में तो इंडिया में ज़्यादातर लोग 47% लोग जो हैं पबजी खेलते हैं। फिलहाल अक्रॉस अगर पकड़ा जाए तो 175 मिलियन यूज़र जो हैं यूज़ करते हैं पबजी, मतलब लगभग जो बेरोज़गारी वाला जो चीज़ रहता है इंडिया में वो ख़त्म किया पबजी ने, देखा जाए तो। अब सेंस बोला जाए तो यही चीज़ है, जो बेकार बैठे हुए थे सब पबजी ही खेले हैं, खेल के जो स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं उसमें से इनकम वगैरह जो आ रहा है उनको, बाहर जो खेल रहे हैं बहुत सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं पबजी खेल के ही अपना इनकम सोर्स निकाल रहे हैं घर पे बैठे हुए, बिना कुछ काम किए हुए कुछ करना चाहते तो गेम के थ्रू ये एक चल रहा है। बट पबजी में जो बैन हो रहा है सिलसिला अभी उसके ऊपर आया, इंडियन गवर्नमेंट जो देख रहा है अभी कि उसमें क्या फॉल्स है, क्या सिक्योरिटी लेवल का कुछ है, तो डिटेक्ट कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। देखा जाए तो पबजी अपने आप को सिक्योर करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र उसके इंडियन यूज़र है। अब उसमें देखेंगे तो जो उसका सिक्योरिटी लेवल है उसमें, अब ऐप स्टोर में भी जाएंगे पहले इंग्लिश में आता था, अभी थोड़ा हिंदी वगैरह वो सब डालने लगा है नॉर्मल। उसका अगर अबाउट सेक्शन में आप जाते हो तो ज़्यादा डेटा वो लेता नहीं है, देखा जाए तो एक माइक्रोफोन का आपको अलाउ परमिशन मांगता है, ज़्यादातर स्टोरेज का कुछ मांगता है, उसके बाद आपको जो बेसिक चीज़ है वाईफाई ब्लूटूथ ये सब बेसिक मांगता है, बट इसमें आपको ऑडियो का तो मांगता है, माइक में जो भी आप बात करते हो वो सब आप रिकॉर्ड कर सकता है, सेव कर सकता है, सुन सकता है, वो चीज़ को एक अलग ही चीज़ है। बट सिक्योरिटी लेवल पबजी भी देखा जाए इतना सिक्योर नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने यूज़ किया सिक्योर है ही नहीं इंडिया को, मैं देख रहा है क्या करना चाहिए उस पबजी की अगर बात करूँ, उसमें पबजी चाइना तो है नहीं, दो कंपनी का कोलाबरेशन से ही बना है ये, ब्लू होल बोल के कंपनी है जो साउथ कोरियन कंपनी है, वो उसका खुद का ये सॉफ्टवेयर बेस है ये बनाया है, बट उसका जो टेंशन गेमिंग है बड़ी जो आता है उसमें ये चाइनीज़ है, ये दो कंपनी मिलके ही कोलाबरेशन में ही चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। बट देखा जाए तो चाइना का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है इस गेम में, तो इसी के वजह से था चाइना का जो एप्लीकेशन जो हुआ हो गया उसके रिलेटेड ये सब चल रहा है। पहले तो चीज़ इंडियन आर्मी को तो पहले ही चीज़ जो पबजी था बैन हो चुका है, बहुत सारे एप्लीकेशन वो लोग चलाते नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब कुछ है एप्लीकेशन ये लोग यूज़ बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बट पबजी तो पहले से बैन है आर्मी लोगों के लिए, वो लोग खेल नहीं सकते हैं। अब मैं पबजी को ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पबजी भी डेटा लेता ही लेता है, उसके साथ जो बाकी 52 एप्लीकेशन वगैरह थे वो भी डेटा लेते हैं। डेटा किसी हिसाब से लेते हैं, क्लिक बोर्ड बोल के आया था एक बीच में, बहुत सारे लोगों ने डाला था क्लिक बोर्ड डेटा हम लोगों का चोरी हो रहा है ये से हो रहा है, उसमें होता क्या, क्लिक बोर्ड कीबोर्ड जो रहता है वहाँ हम जो सर्च करते हैं या सर्च हिस्ट्री रहता है जो भी हम करते हैं वो सेव हो जाता है, तो वो डेटा एप्लीकेशन वगैरह लेता है। सेम पबजी भी वही चीज़ कर रहा था, डेटा जो टाइप करते थे हम लोगों सब सेव हो जाता था। अब इसी को लेके ही सबको पहले डाल दिए थे पोस्ट, बहुत जब आया था ये तो बहुत लोगों ने पोस्ट डाल दिया था इसके रिलेटेड। अभी देखेंगे चीज़, अभी पबजी को ज़्यादा ही लोग गवर्नमेंट फोकस कर रहा है सिक्योरिटी लेवल में लेके, चीज़ देखते हैं अभी क्या होने वाला है। हम चाइना का एप्लीकेशन को हम लोग क्यों ज़्यादातर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको ज़्यादातर मतलब देख रहा है कि बैन करने के लिए या डिलीट करने के लिए, ज़्यादा देखा जाए वॉर को लेकर इसको साइड में रखता हूँ, लेकिन उसका सिक्योरिटी लेवल का जो है बहुत ही कम है, उसका जो खुद का लॉ है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ जो बोलते हैं उसका NIL जो इसका है, इसमें जो 2017 में पास हुआ था, बट उसमें क्या हुआ है उसमें सिक्योरिटी ना के बराबर उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारा डेटा वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, कुछ भी कर सको, कुछ क्या करो कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब डेटा वगैरह है यूज़र का, जो कंज्यूमर का डेटा है वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
ऑडियो हो गया, हम लोग जितने सारे एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर हमको अलाउ परमिशन मांगता है ऑडियो का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, उसके बाद मांगता है स्टोरेज का। अब सारा डेटा आप लोग ले जाओगे तो भाई हम लोग का सिक्योरिटी लेवल क्या रहे, सर टाइप करेंगे वो सेफ रहे, आपके पास रहेगा डेटा, आपके पास रहेगा तो उसको बाकी जगह लीक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो हर जगह। ये एक चीज़ चल रहा है अभी तो फिलहाल, देखा जितना मैंने जाना हूँ पबजी के रिलेटेड, देखा जब बैन होने का है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अब जो यूज़र है जितने सारे हैं, इनकम सोर्स जो है उनसे ही आता है। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहता है कि इसमें बैन किया जाए कि नहीं किया जाए, सिक्योरिटी फॉल्स वो ढूंढ रहा है, अगर मिल गया उसको कि नहीं डेटा चोरी हो रहा है या किस रिलेटेड हो रहा है तो फिलहाल बंद हो भी सकता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जितना मैंने यूज़ किया है सिक्योरिटी लेवल पता है इतना नहीं है फॉल, बट मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो सकता है क्योंकि नहीं पता रहेगा मेरे को भी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आशा करता हूँ वाला जो वीडियो आपको बताया हूँ समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट कीजिए। नया वाला चैनल है, पुराना वाला तो बैन हो चुका है, हैकर तो ले लिया सेम डेटा चोरी वगैरह से, तो इस चैनल को लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो, बटन रेड कलर का है दबा दो, वहाँ जो भी करना है उसके साथ खेलो, उसके साथ ग्रे करो, ग्रीन करो, ब्लू करो, जो करना है करो, सब्सक्राइब मार देना फटाक से, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले इस अलग टाइप के वीडियो में दोस्तों, तो फिलहाल के लिए बाय।